तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे रैपिड चेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलते रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू रैपिड चेक चैनल, जहां पे आपको मिलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स। तो दोस्तों आज हम खड़े हैं लैंड रोवर रेंज रोवर विलार के सामने और मैं आपको बता दूँ ये नई SUV है रेंज रोवर की तरफ से और इसका जो डिज़ाइन है इसको बेस्ट डिज़ाइन भी कह सकते हो आप लैंड रोवर का, क्योंकि इस प्राइस रेंज के ना जो इसका प्राइस सेगमेंट है उसके अंदर बेस्ट डिज़ाइन है। साथ में इसका जो फ्रंट देख रहे हैं आप, आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि आप किसी रेंज ओवर स्पोर्ट को देख रहे हैं या लॉन्ग व्हील बेस को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की तरफ चलते हैं और कुछ ऐसी बातें जानेंगे हम विलार के बारे में जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, साथ में लैंड ओवर के बारे में कुछ बातें जानेंगे। और दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि जो लैंड ओवर रेंज ओवर और जो जैगुआर ब्रांड है वो इंडिया के रतन टाटा सर ने ओन किया हुआ है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। साथ में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि लैंड रोवर में दो टाइप की गाड़ियाँ आती हैं, शायद आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा। लैंड रोवर के अंदर दो टाइप की गाड़ी, इवन इन जैगुआर्स एंड ऑल द प्रीमियम लग्जरी कार्स लाइक द मर्सिडीज बेंज, द ऑडी, द BMWs, सबके अंदर दो टाइप की गाड़ियाँ आती हैं। एक होती है CKD, एक होती है CBU। CKD जो गाड़ियाँ होती हैं वो होती हैं असेंबल्ड इंडिया के अंदर और जो CBU होती हैं वो हमें बाहर से इम्पोर्ट होकर मंगाई जाती हैं। दोस्तों आप जो लैंड ओवर के अंदर हाई एंड कार्स देखते हैं, जैसे कि आपको लैंड ओवर रेंज ओवर कन्वर्टेबल देखने को मिल जाएगी, साथ में जो लैंड ओवर रेंज ओवर ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग व्हील बेस है और जो स्पोर्ट है, ये सारी आपको CBU कार्स हैं। वो लोग शोरूम पे अवेलेबल नहीं होती है, कभी कभी शोरूम पे आती हैं किसी ने कस्टमर ने मंगाई है। तो बाकी जो सारी CKD कार्स हैं जैसे कि लैंड ओवर रेंज ओवर विलार, ये गाड़ियाँ आपको रेडली अवेलेबल मिल जाएंगी जो कि असेंबल्ड हैं इंडिया के अंदर। तो चलिए दोस्तों इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी की तरफ देख लेते हैं। तो ये है लैंड रोवर की 5 फंक्शंस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये लॉक का फंक्शन है, ये अनलॉक का फंक्शन है। यहाँ से आप इसकी लाइट्स ऑन कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गए इसकी लाइट्स ऑन, यहाँ से आप इसका डायरेक्टली बूट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीधे गाड़ी की तरफ देखते हैं। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये है सिग्नेचर रेंज रोवर व्हीकल। तो जितने भी रेंज रोवर व्हीकल्स होंगे उनके अंदर आपको ये जो बैज है रेंज रोवर का वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे लैंड रोवर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप इसकी फ्रंट ग्रिल देख सकते हैं और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ भी आपको ग्लॉस ब्लैक और गोल्डन में थोड़ी फिनिशिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी लाइट्स दिखा दूँ, क्योंकि इसकी लाइट्स जो कि हर लैंड रोवर रेंज रोवर की लाइट्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइट्स होती हैं, तो आप ये देख सकते हैं। चलिए मैं आपको लाइट्स को ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से हमने की गाड़ी अनलॉक, तो आप ये देख सकते हैं, इंडिकेटर भी देख सकते हैं, साथ में LED डियल्स भी देख सकते हैं। अगर आप लाइट ऑन करना चाहते हैं तो मैं आपको लाइट ऑन करके पहले भी दिखाई थी, तो ये आप यहाँ से लाइट ऑन कर सकते हैं। ये रिट्रैक्टेबल हेडलाइट वॉशर है, आप इससे अगर आपकी हेडलाइट्स गंदी हो जाती हैं तो इससे ये बाहर आ जाएगा, साथ में इसको साफ भी कर देगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको गाड़ी का वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं प्रॉपर लैंड ओवर रेंज ओवर डिज़ाइन, और मैं आपको बता दूँ बाकी लैंड ओवर से जो प्रॉपर रेंज ओवर सेगमेंट है इसका उससे काफ़ी ज़्यादा कम है इसका प्राइस। हम इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करेंगे, पहले आप इसका डिज़ाइन देख लीजिए। और ये आपको दिख जाएंगे इसके R20 एलॉय व्हील्स, जिसका जो रेडियस है वो 20 इंचेस का है। तो आप ये देख सकते हैं कितने बड़े एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, और इतने ही बड़े एलॉय व्हील्स इस गाड़ी के साथ मैच करते हैं, क्योंकि अगर इसके छोटे एलॉय व्हील्स होंगे तो इस गाड़ी में उतना लुक आ नहीं पाएगा जो इतना आ रहा है इस टाइम के अंदर। और दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ कि आप डायमेंशन स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो दोस्तों इस बार मैं आपको स्क्रीन पे डायमेंशन नहीं दिखाऊंगा, वीडियो को देखिएगा, मैं आपको लाइव डायमेंशन दिखाऊंगा इसके अंदर। ये भी इसका फर्स्ट इन क्लास फीचर कह सकते हैं आप इस गाड़ी का। साथ में मैं आपको इसका फीचर दिखा देता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि इसके हैंडल्स कहाँ हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ क्रोम हैंडल्स हैं, विदाउट क्रोम हैंडल्स हैं। तो उसके हैंडल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जब भी आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो उसके हैंडल्स रिट्रैक्ट बाहर आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ये भी बाहर आ सकते हैं इसे। तो ये भी थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है लैंड रोवर की तरफ से। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट फोल्डेबल ओआर बीम्स विद टर्न इंडिकेटर्स, ड्यूअल टोन कलर ऑप्शंस में आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। जैसे आप ये जो गाड़ी को देख रहे हैं ये है वाइट कार की बॉडी है और ब्लैक कार की रूफ है, साथ में ओआर बीम्स ब्लैक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लैंड ओवर की बैच देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा गोल्डन फिनिश देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यहाँ भी आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर। तो चलिए गाड़ी की बैक साइड पे एक बार चलते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं लैंड ओवर रेंज ओवर विलार का बैक प्रोफाइल।
यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ विलार की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, साथ में D180 का मतलब है कि जो डीजल वेरिएंट है, साथ में आपको लैंड रोवर की बैज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप रेंज ओवर लिखा हुआ देख सकते हैं विलार के अंदर। चलिए मैं आपको बैक लाइट्स दिखा दूँ। इस गाड़ी के अंदर जो सारी लाइट्स हैं वो LED लाइट्स हैं। चलिए मैं इसकी बैक लाइट्स एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ से भी इसकी बैक लाइट्स देख सकते हैं कितना अच्छा लुक देते हैं। मैं आपको पूरी अच्छे से एक बार इसकी बैक लाइट्स दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है इसकी बैक प्रोफाइल लैंड ओवर रेंज ओवर विलार की। चलिए इसका बूट ओपन कर लेते हैं। हमने किया डायरेक्टली बूट ओपन, ये हो गया बूट ओपन। 558 लीटर्स का आपको बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा, साथ में 60-40 स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगी। यहाँ से भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसको ओपन करें तो ये आपको देखने को मिल जाएगा एक स्पेयर व्हील जो कि एलॉय है। यहाँ भी आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी। प्रीमियम क्वालिटी की फिनिश है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ भी आप देख सकते हैं गाड़ी को, यहाँ भी आप लाइट्स देख सकते हैं गाड़ी के अंदर, जो कि रात के टाइम पे लगेज रखने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और यहाँ भी इसका बूट डायरेक्टली बंद हो जाएगा एक क्लिक से, तो आप यहाँ से बूट बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं 63 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। दोस्तों मैं अभी आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस नहीं बता रहा हूँ, इसकी हाइट नहीं बता रहा हूँ, इसकी लेंथ नहीं बता रहा हूँ इस गाड़ी की। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अंदर लाइव चल के बताऊँगा, तो वो भी आपको एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी लैंड रोवर की विलार के अंदर। तो चलिए दोस्तों गाड़ी के इंजन ऑप्शंस और गाड़ी के वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो एक ही वेरिएंट में लैंड ओवर रेंज ओवर ने अपनी विलार को लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, वो है आर डायनेमिक एस। तो दोस्तों ये गाड़ी आपको दो इंजन ऑप्शंस में देखने को मिल जाएगी, वो है पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट। पेट्रोल वेरिएंट है P250 पेट्रोल वेरिएंट और डीजल है D180 डीजल वेरिएंट। तो चलिए दोस्तों पहले पेट्रोल वेरिएंट की बात कर लेते हैं। तो वो है 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 247 BHP ऑफ पावर एंड 365 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। उसकी टॉप स्पीड है 217 किलोमीटर पर आवर। साथ में दोस्तों उसके एवरेज की मैं बात करूँ तो आपको 15.8 किलोमीटर पर लीटर उसका एवरेज देखने को मिल जाएगा। और जिस सेगमेंट की गाड़ी मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ उसके अंदर आपको एक्सेलेरेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो है 0 to 100 इन 6.7 सेकेंड्स। तो चलिए दोस्तों इसकी डीजल वेरियंट की मैं बात कर लेते हैं। तो जिसको डीजल वेरियंट है वो है D180 डीजल इंजन, जिसका जो एवरेज है आप चौंक जाएंगे उसका एवरेज सुन के, वो है 22.3 किलोमीटर पर लीटर। और आप सोच नहीं सकते कि लैंड रोवर गाड़ी जो एक प्रीमियम सेगमेंट है वो 22 का एवरेज कैसे देख सकता है। साथ में आपको उसके अंदर 177 BHP ऑफ पावर देखने को मिल जाएगी, साथ में 430 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है गाड़ी को। साथ में वो जो 0 to 100 जाती है वो है 8.9 सेकेंड्स में और उसकी टॉप स्पीड आपको 201 किलोमीटर पर आवर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाड़ी की बैक साइड के अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या क्या कंफर्ट फीचर्स हमको लैंड ओवर रेंज ओवर विलार प्रोवाइड करती है। वैसे ये लग्जरी कार है लेकिन फिर भी हमको जानना ज़रूरी है कि क्या क्या हमको लग्जरी फीचर्स गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे और क्या क्या कम्फर्ट आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं। ये हमने की गाड़ी अनलॉक, यहाँ पर उसके रिट्रैक्टेबल देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है आपको। ये यहाँ पे इसके डोर्स को देख सकते हैं, प्योर लेदर इंटीरियर देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप क्रोम फिनिश के हैंडल्स देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन है। मैं जितनी भी गाड़ी के क्रोम हैंडल्स देखे हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है उनके क्रोम हैंडल्स में इसका। साथ में आप इसमें पावर विंडो कंट्रोल्स देख सकते हैं, ग्लॉस ब्लैक फिनिश है थोड़ा सा। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट देखने को मिल जाएगी जो रेड कलर की लाइट देख रहे हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं फुल लेदर इंटीरियर्स लैंड ओवर रेंज ओवर विलार के। साथ में आप ये गाड़ी की लेदर सीट्स को भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाएगा सामान रखने के लिए। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं बटन, इससे आप गाड़ी के जो कुशन हैं उसको आगे पीछे कर सकते हैं अपनी कंफर्ट वाइज। अगर इसको आगे करना है तो उसको दबाइए, आप देखेंगे वीडियो में ये आगे हो रहे हैं। और अगर पीछे करना है अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से, जितना आप कम्फर्टेबल हों उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं। तो ये हम बैठ गए लैंड ओवर रेंज ओवर विलार के अंदर। आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर एम्पल लेग स्पेस देखने को मिल जाएगा, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है ये। डैशबोर्ड का मैं बताऊंगा आपको, देख के एक झलक लग रहा होगा कितना अच्छा डैशबोर्ड है इसका। मैं आपको एक एक चीज़, एक एक फीचर इस डैशबोर्ड के अंदर समझाने वाला हूँ अपनी वीडियो के अंदर।
यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं गाड़ी का बैक सीटिंग, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में इसकी बैक सीटिंग को दिया गया है। इसकी जो सीट्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, कुशनिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। साथ में आपको आइसोफिक्स देखने को मिल जाएगा जो कि एक सेफ्टी फीचर है गाड़ी का। यहाँ पे आप दो कप होल्डर्स देख सकते हैं। और यहाँ भी दोस्तों मैं आपको थोड़ा टर्न होके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको चार्जिंग वोल्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं इसके चार्जिंग वोल्ट्स 5 वोल्ट के। तो ये आप देख सकते हैं लैंड ओवर रेंज रोवर विलार अंदर से, और जो जितनी भी लाइट्स हैं इसकी वो LED लाइट्स देखने को मिल जाएंगी आपको गाड़ी के अंदर। साथ में आपको कोट हैंगर देखने को मिल जाएगा यहाँ। दोस्तों ये है लैंड ओवर रेंज रोवर विलार का फ्रंट डैशबोर्ड। तो आप देख रहे होंगे, आप जान रहे होंगे कितना अच्छा लगता है दिखने में। तो आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि ये सिर्फ अच्छा ही है या ये फीचर पैक्ड भी है। मैं आपको बैक पैसेंजर्स का एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ये 4 जोन क्लाइमेटिक कंट्रोल AC है। 4 जोन का मतलब, आपने 2 जोन का मतलब तो मेरी वीडियोस में पहले ही जान लिया होगा। 4 जोन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया ड्राइवर, ये हो गया को ड्राइवर, ये हो गया बैक पैसेंजर फर्स्ट, इसको कह सकते हैं आप, ये बैक पैसेंजर 2 जिस पे मैं बैठा हूँ। तो चारों जो सीटिंग पोजीशंस हैं वो अपने हिसाब से AC को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो आदमी चाहता है कि वो 23 पे AC चलाए, मैं चाहता हूँ कि मैं 24 पे चलाऊँ, ये चाहता है कि 16 पे चलाए और ये चाहता है कि 20 पे चलाए, तो चारों अपने हिसाब से AC के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। तो ये है इसके 4 जोन क्लाइमेटिक कंट्रोल का मतलब। तो चलिए दोस्तों आगे चल के देखते हैं गाड़ी के अंदर कि आपको कैसे कैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे लैंड रोवर की रेंज रोवर के अंदर। सबसे पहली चीज़ आप जो गाड़ी के अंदर एंटर करते देखते हैं वो है इसकी पावर एडजस्टेबल सीट्स। आप इसके सीट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं, यहाँ से फुली इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इसको पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेरिएंट की बैच देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छे फिनिश में है। ये है दोस्तों ड्राइवर साइड डोर, यहाँ आप देख रहे हैं मेरिडियन का आपको इसके अंदर साउंड सिस्टम मिल जाएगा जो कि है 10 स्पीकर। साथ में आप ये पावर विंडो कंट्रोल्स देख सकते हैं, ये एक्सटीरियर मिरर के कंट्रोल्स, ये है मेमोरी फंक्शन सीट्स के लिए, ये है अनलॉक और लॉक का फीचर। तो आप देख सकते हैं एक ओवरव्यू लुक लैंड ओवर रेंज ओवर विलार का। तो चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और ये बैठ गए दोस्तों हम गाड़ी के अंदर, और साथ में बैठने के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर जो ये चीज़ होती है क्यों होती है, इससे गाड़ी के अंदर ग्रिप बनती है जब आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर, और काफ़ी अच्छा फील देती है जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं। ये प्रीमियम कार्स के अंदर आता है ज़्यादातर। तो ये आप देख सकते हैं 12.3 इंचेस ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। यहाँ पर आपको ड्यूअल स्क्रीन्स देखने को मिल जाएंगी जो कि टच प्रो ड्यू इसको लैंड ओवर कहता है। 10 इंच की 2 स्क्रीन्स हैं, ये भी 10 इंच स्क्रीन है, ये भी 10 इंच स्क्रीन है। साथ में आप ये गियर नॉब देख ही सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस गियर नॉब है लैंड ओवर रेंज ओवर का। ये ऊपर आ जाता है जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है, जब इसका इंजन स्टार्ट होता है मिल जाएगी। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा जो कि 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, पूरा लेदर फिनिश में स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ भी आप लेदर देख सकते हैं पूरे स्टीयरिंग व्हील पे। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आउटर में भी आपको लेदर देखने को मिल जाएगा जो कि प्रीमियम फील देता है गाड़ी को। यहाँ पे आपको रेंज ओवर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। आप देख सकते हैं कितने प्रीमियम फिनिश में है। यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाएंगे, या आपको वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको लाइट कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ दोस्तों, चलिए गाड़ी को ऑन करते हैं। तो हमने की गाड़ी ऑन, देखा आपने स्क्रीन कैसे बाहर आई। अब देख सकते हैं इसकी स्क्रीन रिट्रैक्ट होकर बाहर आ गई है। और दोस्तों ये है इसका जो स्टीयरिंग व्हील, आप इसको भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं सिर्फ एक बटन से, और इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसको सेट भी कर सकते हैं। जैसे ही गाड़ी अनलॉक होगी वैसे ही आपका स्टीयरिंग व्हील आपकी पोजिशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं 12.3 इंच ड्राइवर इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले,
यहाँ पे आपको आर डायनेमिक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो स्पीडो मीटर है, यहाँ पे आपको आईपीएम मीटर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गाड़ी के बारे में। तो ये जो फुल जो मीटर आप देख रहे हैं ये फुली डिजिटल है, इसमें कोई भी चीज़ एनालॉग की नहीं है। यहाँ पर आप इसकी ऑडियो मॉनिटर कंट्रोल देख सकते हैं, कितने शानदार दिखते हैं ये। यहाँ पर आपको सारे ऑडियो मॉनिटर कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे जो कि हैं ब्लूटूथ टेलीफोनी और वॉइस रिकॉग्निशन के लिए। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं क्रूज़ कंट्रोल के अंदर। और दोस्तों अगर आप इसको चेंज करना है या इसमें गाड़ी की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ पे मेन्यू के बटन से ले सकते हैं। आप मेन्यू को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगे, जैसे ट्रिप मीटर डिस्प्ले का है, व्हीकल सेटिंग्स है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप जितने भी गाड़ी के ऑप्शन हैं वो देख सकते हैं इसके अंदर, या मीडिया के ऑप्शन, यहाँ पे आपको ड्राइवर असिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जितनी भी गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं या लेना चाहते हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं, माइल्स में चाहिए कि किलोमीटर में चाहिए, ये आप सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है गाड़ी के टच प्रो 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। तो चलिए एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने ब्रेक बटन दबा दिया है, यहाँ से हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं लाइट्स को, ये भी ऊपर नीचे होती हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ही नेविगेशन, मीडिया, फ़ोन, यहाँ पे देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट, कॉन्टैक्ट्स, कैमरास। रियर पार्किंग कैमरा आपको दिखा देता हूँ, ये आप रिवर्स पे लगाएंगे तो उसका रियर पार्किंग कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसके पार्किंग कैमरा को ऑन करके देख सकते हैं। तो ये इसका रियर पार्किंग कैमरा, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्बिएंट लाइट, यहाँ से भी आप इसकी एम्बिएंट लाइट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रेड है, आपने जैसे इसको किया पर्पल तो यहाँ पे पर्पल हो जाएगी, यहाँ की आपने रेड तो यहाँ पे रेड हो जाएगी। इस हिसाब से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वॉइस कंट्रोल देख सकते हैं, यहाँ पे वैले मोड है, यहाँ पे इको मोड है, काफ़ी सारे मोड्स आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बारे में आपको बात करता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। आप जो साइड में करिए, मैं आपको व्हीकल डायमेंशन में बताया था, जो आपको मैंने बताया था कि लाइव डायमेंशन में आपको दिखाऊँगा। तो ये लाइव डायमेंशन गाड़ी के, और यहाँ पर आप गाड़ी के सारे डायमेंशन को देख सकते हैं अच्छे से। 4.8 मीटर इसकी लेंथ है, 2.03 इसकी विथ मिरर्स विथ है, साथ में 1.71 मीटर इसकी हाइट है, 210 मिलीमीटर इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा गाड़ी। अगर आपको दोस्तों डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको बटन को क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हैं 22 डिग्रीज ये है इसका रैम्प ओवर। इतनी हाइट पर कोई भी चीज़ रखी होगी तो उसको ये आराम से क्लाइम कर जाएगी। ये है इसका नीचे का डिपार्चर एंगल 26.8, और जो नीचे वाला है आपको 23 दिख रहा है, ये है रैंप ब्रेक ओवर। इसमें आपको बताता है कि यहाँ से डिपार्ट हो जाएगी, यहाँ से रैंप के ऊपर चढ़ जाएगी। तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी गाड़ी के अंदर। तो चलिए इसका इग्निशन कर देते हैं हम ऑफ। यहाँ आप इसको साइड भी कर सकते हैं और ये जितने भी कंट्रोल्स हैं उसको देख सकते हैं। दोस्तों ये है गाड़ी की 10 इंच दूसरी स्क्रीन टच प्रो की। इसके अंदर आपको सारे क्लाइमेट कंट्रोल्स, व्हीकल के इन्फॉर्मेशन जो ड्राइविंग से रिलेटेड है, आपको सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम व्हीकल को क्लिक कर लेते हैं तो आपको ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप ऑटो मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटो मोड में गाड़ी चली जाएगी, जिसमें ऑटो टेरेन अपने हिसाब से सेट करके यहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं गाड़ी के लिए। देख सकते हैं यहाँ भी आपको व्हीकल के डायनेमिक प्रोग्राम है, यहाँ भी आपको डायनेमिक प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इतनी दूर से सेट करके। आप इको मोड पे जाएंगे तो इको मोड सेट हो गया, देखा आपने। अगर आप दूसरे मोड पे जाएंगे, कंफर्ट है ये, यहाँ पे ग्रास, ग्रेवल एंड स्नो प्रोग्राम है, यहाँ पे मड रट्स प्रोग्राम है। तो अब जैसे यहाँ भी स्क्रीन चेंज हो रही है, यहाँ भी स्क्रीन चेंज हो रही है, यहाँ भी स्क्रीन चेंज हो रही है। और अगर यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम इसके एसी के कंट्रोल्स के बात करें तो हम क्लाइमेट में जाना चाहिए हमको। यहाँ पे फ्रंट क्लाइमेट है, ड्यूअल जोन क्लाइमेट है, यहाँ पे 18 डिग्री, यहाँ पे 17 डिग्री, मैं आपको पहले ही बताया था। रियर के लिए जाएं तो आप इसको रियर पे दबाइए, और रियर के लिए भी ये 4 जोन टेम्परेचर कंट्रोल है। हम यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टेम्परेचर के में, यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप एसी सेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको मैक्स एसी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और ये आप इसका सिग्नेचर गियर लैंड ओवर का,
यहाँ पे लैंड ओवर के बटन क्लिक करेंगे तो ये भी आपको ऑन देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी तो स्पेस है, मैं बता दूँ अगर इसके अंदर आप हाथ डालेंगे तो आपको थोड़ा लेदर फिनिश देखने को मिल सकता है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है गाड़ी को। यहाँ पर आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप आएँगे यहाँ पर आपको लैंड ओवर का अच्छा सा लुक देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा और ये है इसका आर्म रेस्ट, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए डिफरेंट आर्म रेस्ट है। अब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ भी आपको थोड़ा स्पेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर भी नीचे भी आपको कुछ 12 वोल्ट का चार्ज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और दो तीन फीचर हैं जैसे माइक्रो एसडी सिम कार्ड, इस गाड़ी के अंदर सिम कार्ड भी ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सारी एप्लीकेशन फ़ोन की आप इस गाड़ी के अंदर ही ऑपरेट कर सकते हैं। साथ में USB के दो पोर्ट्स भी अंदर देखने को मिल जाएंगे। और लाइटिंग का मैं बता दूं तो ये टच स्क्रीन लाइट्स हैं, ये आप इसके टच स्क्रीन लाइट्स ऐसे ऑन कर सकते हैं। और ये है इसका ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर और ये है इसके सेंसर्स, जो भी गाड़ी के अंदर सेंसर्स लगे हैं वो ये सेंसर्स लगे हुए हैं। और चलिए इसका पैनोरामिक ग्लास सनरूफ को ऑन कर लेते हैं। तो ये हमने की सनरूफ ओपन, ये कर्टेन चला गया पूरा पीछे और ये सनरूफ हो गई पूरी ओपन। आप सनरूफ ओपन होके देख सकते हैं काफ़ी एयरी और काफ़ी बड़ा फील देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। तो चलिए इसकी सनरूफ को बंद कर देते हैं हम, तो यहीं से इसकी सनरूफ हो जाएगी बंद। और यहाँ से इसका कर्टेन भी बंद हो जाएगा, वन टच आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको। और दोस्तों यहाँ पे हम गाड़ी के लुक के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, तो मैं आपको ऐसा लुक दिखा देता हूँ गाड़ी का। यहाँ पे आपको फुल लेदर इंटीरियर देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप यहाँ पे हाथ लगाएं, चाहे आप यहाँ पे हाथ लगाएं, चाहे आप यहाँ पे हाथ लगाएं, फुल लेदर इंटीरियर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप इसका ग्लोव बॉक्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप एयरबैग देख सकते हैं, यहाँ पे आप ग्लॉस ब्लैक फिनिश देख सकते हैं। यहाँ पे AC विंस हैं जो कि थोड़ा स्टील फिनिश में आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देते हैं गाड़ी को। यहाँ पे आपको ट्विटर देखने को मिल जाएंगे, 10 स्पीकर सेटअप है मेरिडियन का। दोस्तों ये था एक ओवरऑल लुक इसके इंटीरियर का और मैंने आपको दोस्तों सारी बातें इसकी बता ही दी है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। और भी मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे जो स्क्रीन एंगल है इसको भी आप सेट कर सकते हैं, अगर इसको माइनस करना है ये नीचे हो जाएगी तो ऐसे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी के बारे में आप यहीं से ले सकते हैं, आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं लॉन्ग प्रेस किया तो जो भी आप आइकन इसके अंदर डालना चाहते हैं वो आप इसको यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इंटरटेनमेंट के पास चले जाएँगे, यहाँ पर आप ब्लूटूथ टेलीफोनी के पास चले जाएँगे, यहाँ पर आप नेविगेशन के पास चले जाएँगे। दोस्तों इसकी बैटरी थोड़ी वीक हो गई थी तो ये सिस्टम बंद हो गया, लेकिन मैं आपको सारी बातें सिस्टम में बता ही दी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लुक लैंड ओवर रेंज रोवर विलार का। चलिए बाहर से देखते हैं इसके पैसिंग और इसकी सेफ्टी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो हमने की गाड़ी ऑफ, तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 5-स्टार यूरो एनकैप रेटिंग आपको देखने को मिल जाएंगी, तो सेफ्टी फाइज ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि 5-स्टार यूरो एनकैप रेटिंग काफ़ी दिक्कतों से गाड़ियों को मिलती है। साथ में इसमें टॉर्क वेक्टर ब्रेकिंग देखने को मिल जाएगी, अडैप्टिव डायनामिक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल और साथ में ऑटो हेडलैम्प्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा। गाड़ी के प्राइसिंग की बात करूँ तो पेट्रोल और डीजल का एक ही प्राइस है, वो है 72.47 लाख। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ में जो लैंड ओवर रेंज ओवर विला है, नई SUV है लैंड ओवर की तरफ से 72 लाख प्राइस रेंज में, कैसी है, क्या क्या फीचर्स के अंदर हैं, आपको क्या क्या फीचर्स के पसंद आए, सब चीज़ें हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।